नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हम गर्दनी बाग में आए हुए हैं और यहां पर देख सकते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं धरना पर। और यहां पे सातवें चरण का प्राथमिक शिक्षा बहाली जो आया है वो अभी तक नहीं हुआ है, साढ़े तीन सालों से। मैं राजनीति नहीं कर रही हूं, लेकिन ये उन्हीं का कहना था कि हमने 1,15,000 शिक्षकों की नियुक्ति का एक शेड्यूल दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी पता नहीं किस वजह से उनको रोक के रखे थे। तो हम लोग यही करेंगे, हम लोग 2 से 3 दिन तक देखते हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं आएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाने के लिए विवश हैं। तो अभी तक यहाँ पे कोई मिलने के लिए नहीं आया? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आए। हाँ, CPIML के विधायक का हमेशा समर्थन रहा है और वो लोग आए हैं, संदीप सौरभ सर या मनोज मंजिल सर, वो लोग हमेशा हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो कि अभी सरकार में भी हैं। उसके बावजूद वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप लोग की जो बहाली है वो खुलना चाहिए, क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो आपके साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उन बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो इसलिए उनको हम लोग तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप कम से कम सरकार में आने के बावजूद भी हमारे दुख दर्द में हमारे साथ हैं। तो और भी लोग आए हुए हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, और इधर में दिए। अगर आपको इतना ज़्यादा अपने किरकिरी का टेंशन है तो आप दीजिए ना नोटिफिकेशन। हमें शौक थोड़ी ना चढ़ा है कि हम बेगूसराय से आकर के, या अब यहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, उनको शौक थोड़ी ना चढ़ा है कि रोड पे इस तरीके से धरना दे। सरकार ना मानेगी तो आप लोग क्या करने वाले हैं? सर, सरकार ना मानेगी तो अंतिम ऑप्शन है भूख हड़ताल। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तब भी हम लोग 2 से 3 दिन के बाद जबरन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठेंगे? बिल्कुल, आज से ही हम लोग बैठने वाले थे, लेकिन आज हम लोग BJP ऑफिस गए थे, वहाँ पे माननीय संजय जायसवाल जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगर आपकी बहाली पूरी नहीं होती, अगर आपका नोटिफिकेशन ओपन नहीं होता है, तो हम लोग विधानसभा का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। चूंकि जब NDA की गवर्नमेंट थी उस समय हम लोगों को 26 जुलाई का एक लेटर मिला था, तो उनका साफ साफ कहना था, मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये उन्हीं का कहना था कि हमने 1,15,000 शिक्षकों की नियुक्ति का एक शेड्यूल दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी पता नहीं किस वजह से उनको रोक के रखे थे। तो हम लोग यही करेंगे, हम लोग 2 से 3 दिन तक देखते हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं आएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाने के लिए विवश हैं। तो अभी तक यहाँ पे कोई मिलने के लिए नहीं आया? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आए। हाँ, CPIML के विधायक का हमेशा समर्थन रहा है और वो लोग आए हैं, संदीप सौरभ सर या मनोज मंजिल सर, वो लोग हमेशा हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो कि अभी सरकार में भी हैं। उसके बावजूद वो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप लोग की जो बहाली है वो खुलना चाहिए, क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो आपके साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उन बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो इसलिए उनको हम लोग तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप कम से कम सरकार में आने के बावजूद भी हमारे दुख दर्द में हमारे साथ हैं। तो और भी लोग, सरकार की तरफ से कोई भी मतलब ये नहीं आया है, उधर से कोई भी जवाब या कोई भी मंत्री विधायक आकर हम लोग को ये आश्वासन नहीं दिए हैं कि हाँ मैं इस तारीख को ये धरना, ये नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा या फिर इस डेट को जारी कर दूंगा। उन लोगों ने बस खाली सिर्फ आश्वासन दिया है और आज तक हम लोग डेट पे डेट ही दिए जा रहे हैं। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगी कि कृपया करके हम लोग को आप नोटिफिकेशन दे दें, ताकि हम लोग भी बाकी का पढ़ाई आगे कर सके अच्छे से। सरकार जब न मानेगी तो हम लोग भूख हड़ताल यहीं पे रखे रहेंगे। अभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, सरकार मान को माननी ही होगी, क्योंकि हम लोग पूरी आहारता से पूर्ण करके तभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ने पूरे अभ्यर्थियों ने सीटेट बीटेट पास किया है, और आज से नहीं, हम लोग 2019 से ही पास हैं, और जिनका छठा चरण में भी नहीं है वो लोग भी अभ्यर्थी अभी यहाँ पे हैं। तो सरकार इस तरह से हम लोग को डेट पे डेट ना दें, हम लोग को पूरी आहारता है और पूरा हम लोग वोट देते हैं, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो आप प्लीज़ हम लोग का प्राइमरी नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सके दे दें। आप लोग BJP कार्यालय गए तो वहाँ से क्या हुआ? उन्होंने ये कहा है 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम डेट दिया गया है कि उस दिन तक हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कहने को तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, और पिछले बार तो प्री शेड्यूल निकाल करके सरकार मुकर गई है, तो अब हमको उतना भरोसा है नहीं और ना ही उतनी खुशी है। बट हम लोग ने एक मांग रखी है और वहाँ से हम लोग को BJP कार्यालय से एक आश्वासन मिला है, जैसे कि अगर 2024 से पहले जो सरकार हम लोग का जॉब दे देगी या देने में जो मददगार होगी, हम लोग वोट उसी को देंगे। अभी तक यहाँ पे कोई मिलने
नहीं, आप समिति कार्यकर्ता आए थे, आप पार्टी से कार्यकर्ता आए थे और ये एमएलए विधायक जो संदीप सौरभ जी हैं वो आए थे, बाकी आरजेडी और जेडीयू से कोई भी ये नेता वो आए तो कुछ नहीं किया। वो आए तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम अपनी बातों को रखेंगे। उन लोगों के हाथों में कुछ नहीं है, कोई भी मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है जब तक कि डिप्टी सीएम और सीएम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है वो डिप्टी सीएम के हाथों में है, मेरे तेजस्वी भैया जी के हाथ में है। तो मैं अपने भैया जी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हम लोग का ना प्राइमरी नोटिफिकेशन अब जल्द से जल्द शीघ्र कीजिए, क्योंकि हम लोग का भी समय जा रहा है। हम लोग लड़के नहीं ना हैं कि कभी जितना मर्जी वहाँ उतना बैठे, हम लोग का भी एक लिमिट समय होता है और हम लोग को भी बहुत कुछ घर में सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुन के यहाँ पे आना पड़ता है। तो इसलिए हम मुझे लगता है कि वो हमारी बातों को ज़रूर सुनेंगे और सुनेंगे ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करेंगे। तो और भी यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे अति में, और आप लोग के क्या मांगे हैं? सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति, सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला। आज शिक्षा मंत्री का बैठक है, देखिए उसमें क्या निकलता है। बीजेपी कार्यालय गए थे हम लोग, बीजेपी कार्यालय गए थे हम लोग, विपक्षी मांग ना उठाएगा, हम लोग तो सदन में जा नहीं सकते हैं। अब 13 तारीख को बोले हैं जे नहीं कुछ होगा तो हम लोग सदन चलने नहीं देंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। 10 तारीख तक बोला गया विज्ञापन जारी करने के लिए, कहाँ तक शिक्षा मंत्री खड़ा उतरते हैं, उसके बाद नहीं कुछ करते हैं तो क्या करेंगे? फिर हम लोग धरना पे बैठे ही रहेंगे, भूख हड़ताल। अब की बार होगा भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। आज हम लोग आज गए थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। हाँ। अब हम लोग को तो भाई कोई ना सहारा चाहिए ना। हम लोग पहले मतलब एनडीए सत्ता में था तो हम लोग विपक्ष में आरजेडी था तो उनके पास जाते थे कि हम लोग को भाई दीजिए, अगर कोई है सत्ता पक्ष नहीं छुनेगा तो विपक्ष ना छुनेगा। विपक्ष में हम लोग गए थे, वहाँ मांग किए थे, संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे जो भाजपा के, तो अपना बढ़िया से बात को रखें, प्रमुखता से हम लोग कहें कि मुद्दा उठाने के लिए 13 दिसंबर से जो सत्र स्टार्ट हो रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें बोले हैं कि अगर आप लोग का नहीं जारी होता है नोटिफिकेशन तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। तो इसी के डर से देखिए अभी तो नीतीश कुमार सुन रहे हैं किसी शिक्षा मंत्री का वहाँ बैठक बुलाए हैं। तो कब तक ऐसे धरना में बैठे रहेंगे? धरना पर तो जब तक बैठेंगे जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक, जब तक नहीं आएगा तब तक हाँ बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब 2 बार जब सीटेट पास हो गए हैं, कितना बार सीटेट पास हुए, आखिर 42 महीने से आंदोलन सब कर रहे हैं तो आखिर ऐसे कब तक ही चलता रहेगा, है ना? तो चलते अभी तो हम लोग सरकार ये जो बातें हैं जो न मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं मानेंगे कैसे, हम लोग नहीं मानेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से जो हम लोग का आंदोलन होगा करेंगे। अभी तो अमरन अनशन है, इसके बाद उससे भी नहीं सुनेगा तो भूख हड़ताल होगा, इसी तरह और नहीं होगा तो हम लोग तो कुछ ना कुछ तो करवे करें। हर धंधा प्रदर्शन हुआ, ब्रह्मभोज हुआ, हर तरीका तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब उसको करना न करना है तो उसी का ना है हाथ में, अब सत्ता में है भाई, तो हम लोग अपना तरह से हर तरीके से जैसे लोकतांत्रिक तरीके से होगा आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे।